डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चन 13 टू 15 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 13 से। यहाँ पर अपने को बोला गया, अमंगस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है और रिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले अपन एल्कीन सिस्टम के लिए कंडीशन पता कर लेते हैं कि जीआई के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो वहाँ पर कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि जो सी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअली इन दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इंडिविजुअली जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम भी होना चाहिए, तब हमारे पास जीआई पॉसिबल होगा। इसी तरह से यदि आप रिंग सिस्टम देखेंगे तो रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन जरूरी है कि मिनिमम 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए। 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन having two different groups individually दोनों पे क्या होने चाहिए, दो different group जुड़े होने चाहिए। ये condition required होगी for geometrical isomerism। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ा हो तो यहाँ पर वैज और डैश करके अपन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। इन दोनों लॉजिक्स को देखते हुए अपन यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ए। इसमें आप देखिए तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी के साथ इस कार्बन पे देखिए तो क्या जुड़ा हुआ है, सी एच थ्री और सी एल। यहाँ पर अपन देखें तो क्लोरीन और सी एच थ्री, तो इंडिविजुअली दोनों पे क्या दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इनमें अपन यदि प्रायोरिटी देखें सी आई पी रूल से तो वन एंड वन, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका सिस यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी रोटेशन कर दें अपन, तो यहाँ पे क्लोरीन सी एच थ्री ऐसे ही है और क्लोरीन यहाँ पर ऊपर है सी एस थ्री, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सिस फॉर्म हो जाएगा। तो दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट ए ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखें यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड के इधर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि आइडेंटिकल ग्रुप है, अपने को दोनों डिफरेंट ग्रुप चाहिए थे तब जी आई होता, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पर अपन चेक करें तो यहाँ पर भी एक कार्बन से दो डिफरेंट सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास देखें तो दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और दोनों पे हमारे पास इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर Cl जुड़ा, ClH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ClH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, जैसे डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर पहले आप क्या देखेंगे, दोनों के दोनों वेज पे हो, ये दोनों के दोनों वेज पे हो गए। एक दूसरा केस क्या कर सकते हैं, एक कार्बन पे जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ वो डैश पे चला जाए, यहाँ पे डैश पे और यहाँ पर वेज पे, तो यहाँ पे आप आइसोमेरिज्म देखेंगे तो ये दोनों अपवर्ड यानी सिस फॉर्म है और ये एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, तो ये ट्रांसफॉर्म है। दोनों एक दूसरे के हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है डी ऑप्शन में भी। ठीक है, एल्काइन में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं होगी। अपने पास सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम है, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा जो सी डबल बॉन्ड सी के केस में था कि इंडिविजुअली इन दोनों पे क्या जुड़े हुए हैं, दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक लोन पेयर और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप नेमिंग करेंगे तो किस तरह से नेमिंग होती है, हमारे पास OH यहाँ पर लोन पेयर, अब हमारे पास H और OH दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो सिन होता, अदरवाइज एंटी, तो ये एंटी फॉर्म हो जाएगा। और हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे OH, H यहाँ पर PH और लोन पेयर, तो ये हमारा सिन फॉर्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो हमारे पास F जो है उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी। जी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रिंग वाला भी होता है, तो सॉरी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है बट यहाँ पर दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है जिनपे दो इंडिविजुअल ग्रुप जुड़े हो, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड वाला केस होता है वैसे ही रिंग भी अपने पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम किस तरह से होता है कि अपने पास इसके रिंग के अलोंग इन ग्रुप्स को रोटेट करने के लिए आपको रिंग को ब्रेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रोटेशन नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर भी ए और बी को इंटरचेंज करना है अपने को, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये जो पाई बॉन्ड है इसको रोटेट इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा तभी ये रोटेट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होता है, आराम से रोटेशन अलाउड हो जाता है, तो उसे अपन फ्री रोटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 14th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप, इंडिविजुअली दोनों कार्बन पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अपन देखें तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग अपने पास जीआई नहीं होगा, बट इसके अलोंग देखें तो इसके अलोंग हमारे पास इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से देखें तो यहाँ पर एक एच और एक ये पूरा डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अपन थर्ड वाला केस देखें, थर्ड वाले में केवल एक ही कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, पर ये भी आइडेंटिकल ग्रुप है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इस केस में देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इंडिविजुअली इन दोनों पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक एच और एक सी एल। तो इसमें आप जी आई बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक बार वेज तो इस तरह से हो जाएगा, और दूसरा अपन देखें तो एक पे आप डैश कर दीजिए, तो एक वेज और एक डैश, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर फिफ्थ वाले में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, सिस और ट्रांस आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पेसिफिकली आप पूछें कि ये कौन सा फॉर्म बना हुआ है, तो ये हमारे पास ट्रांस फॉर्म बना हुआ है, और इसका सिस फॉर्म यदि आपको बनाना है तो दोनों के दोनों क्या क्लोरीन हो जाएंगे, दोनों के दोनों वेज पोजिशन पर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से सिक्स है, सिक्स में भी हमारे पास ये सिस फॉर्म दिया हुआ है, इसका ट्रांस फॉर्म यदि बनाना है तो किसी भी एक क्लोरीन या ब्रोमीन को आप डैश पे रख दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन इस तरह से बी आर यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है सेवंथ। सेवंथ क्वेश्चन में अपने पास देखें तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो एक ही है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो रिंग में डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्ड होना चाहिए, मिनिमम एट मेंबर्ड होना चाहिए, एट मेंबर्ड साइक्लो एल्कीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम एट मेंबर्ड रिंग होना जरूरी है, पर यहाँ पर सिक्स मेंबर्ड है तो यहाँ पर जीआई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पर अपन देखें तो इंडिविजुअली यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, यहाँ पर भी साइक्लोएल्कीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पर अपने पास देखें तो यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर साइक्लोएल्कीन है और 10 मेंबर रिंग है, और ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, स्पेसिफिकली यहाँ पर जीआई तो हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ कि ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म कैसे है कि हमारे पास इस कार्बन से और इस कार्बन से देखें तो ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि आपको सिस फॉर्म बनाना है तो सिस फॉर्म किस तरह से बनेगा, हमारे पास इस तरह से इसका, सॉरी ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं होगा, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, फिर अपन बनाते हैं इसको वापस, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप इधर क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इसी तरह से ये एट मेंबर्ड है, ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है, इसी तरह से इसका ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस साइक्लो ऑक्टीन, तो ये जीआई शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट है 13। इसमें क्या पूछा गया, यहाँ पर भी वही चीज़ है, सी डबल बॉन्ड एंड सिस्टम, यहाँ पर ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर के बेसिस पे अपन देखेंगे कि दोनों जो सेंटर्स है इन पे इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यहाँ पर देखें 14 पे, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर भी इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट है, तो ये भी जीआई शो करेगा। इसके बाद अपन यह वाला सिस्टम देखते हैं, यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, जो कि प्राइमरी कंडीशन होती है जीआई के लिए। उसके बाद में इन दोनों सेंटर्स पे इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे अपने को दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे भी मिल जाएंगे, तो ये भी जीआई शो करेगा। अब हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है क्यूमुलिन, ठीक है, तो क्यूमुलिन्स के केस में आप क्या ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए यहाँ पर, कि यदि इवन क्यूमुलिन है, इवन क्यूमुलिन है, तो हमारे पास जीआई शो नहीं करेगा, डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट यदि ओड क्यूमुलिन है, ओड क्यूमुलिन है, तो कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इवन क्यूमुलिन से क्या मतलब है, क्यूमुलिन अपने पास होता है लगातार ये पाई बॉन्ड आते वाले अरेंजमेंट, इवन क्यूमुलिन यानी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, और ओड क्यूमुलिन यानी ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, तो ये हमारा कौन सा है,
ये है इवन क्यूमुलिन, तो ये जीआई कभी भी शो नहीं करेगा। और यहाँ पर अपन देखें तो ये ऑड क्यूमुलिन है, ऑड क्यूमुलिन में भी जीआई कब शो करेगा, जब व्हेन लास्ट कार्बन हैज टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली, टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली, जैसे आप एल्कीन में करते हैं वैसा ही सेम लॉजिक भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर अपने पास देखिए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे इंडिविजुअली एच और बी आर जुड़ा हुआ है, एच और सी एस थ्री जुड़ा हुआ है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। बट यदि यही एग्जाम्पल ऐसा होता हमारे पास यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच और सी एस थ्री जुड़ा होता, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यदि आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते भी तो आइडेंटिकली स्ट्रक्चर अपने को मिलता, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलता। क्लियर है? तो लास्ट वाले कार्बन पे भी इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है ये देख लीजिए। तो हमारे पास क्या है सिस्टम में कि इवन क्यूमुलिन जो होता है, इवन क्यूमुलिन में हमारे पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास यहाँ पर ये एच और बी आर प्लेन में है, तो ये आउट ऑफ प्लेन होंगे इस तरह से। और हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन चेक करते हैं उसमें दोनों सेंटर क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। बट जो ऑड क्यूमुलिन होता है, ऑड क्यूमुलिन में हमारे पास ये दोनों टर्मिनल जो है वो एक ही प्लेन में होता है, इसलिए वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाती है। इवन क्यूमुलिन हमेशा नॉन प्लेनर होगा, इसलिए वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 18th है। 18th में हमने पास देखे तो ये सिंपल एल्केन फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी अपन ने समझा है 19th में कि ये हमारे पास ओड क्यूमुलिन तो है बट लास्ट वाले कार्बन्स पे क्या है, आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते भी हैं रोटेशन करके तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर का ही फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है 20। 20 में हमारे पास इस कार्बन पे और इस कार्बन पे जीआई चेक करना, डबल बॉन्ड के अलोंग, तो यहाँ पर अपन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर जाएंगे तो कार्बन जाएगा, यानी इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसी कार्बन पे भी इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जीआई हो जाएगा। इसी तरह से 21 में देखें, 21 में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि साइक्लो एल्कीन में जीआई होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर रिंग होनी चाहिए, 8 मेंबर रिंग का होना चाहिए। बट इन दोनों कार्बन के अलोंग, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो सकती है। इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरह से बना सकते हैं आप, कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार वैज, यहाँ पर ये वैज, इसी तरह से एक क्या हो जाएगा, वैज और डैश हो जाएगा। आप इस तरह से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर वैज हो जाएगा और एक बार यहाँ पर डैश हो जाएगा, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। क्लियर है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो होगी क्योंकि इस दोनों कायरल कार्बन की वजह से, या आप कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 22। 22 में भी अपन देखें तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बट यहाँ पर CH3H और CH3H इनके अलोंग जो अपने पास क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इजीली हो सकता है। ठीक है, इसमें भी अपने पास सेम इसी तरह से आइसोमर बन जाएंगे। आप आइसोमर बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, इसका एक तो सिस फॉर्म हो जाएगा। सिस फॉर्म कैसा होगा, यहाँ पर ये दोनों वेज वेज पे है और इसके बाद दूसरा अपन देखें तो एक वेज पे और एक डैश पे, यहाँ पर एक वेज पे हो गया और एक डैश पे हो गया। ये फॉर्म क्या है, ये सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म, डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट है 23। 23 में देखें तो यहाँ पर इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे देखें तो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, अपने को यही आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि इन दोनों कार्बन पर ये एक एक ग्रुप ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमेशा इनका रोटेशन कराएंगे तो भी एक ही अरेंजमेंट रहेगा, वो भी लीनियर शेप में रहेगा, ठीक है, तो कोई स्टीरियो अरेंजमेंट इनका डिफरेंस नहीं आता है, तो जीआई यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सिस ट्रांस और नन ऑफ दीज अमोंगस्ट द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। तो अपने पास सिस
ट्रांस कहाँ पर बनेंगे, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, और नन क्या होगा, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, मीन्स नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वहाँ पर जी आई होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर साइक्लोएल्कीन है, ये दोनों कार्बन भी sp2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अपन को चेक करना है कि जी आई है या नहीं है। तो जी आई यहाँ पर होगा क्या, 5 मेंबर रिंग है, साइक्लोएल्कीन में जी आई होने के लिए 8 मेंबर रिंग का होना जरूरी है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, नन। इसी तरह से ये वाला ऑप्शन देखें, तो यहाँ पर रिंग में ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इन दोनों कार्बन पे हमारे पास दो इंडिविजुअल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसके अलावा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, तो सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। बट यहाँ पर अपन देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर CH3 अपवर्ड है, यहाँ पर CH3 डाउनवर्ड, दैट मीन्स ये ट्रांस कॉन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट अपन देखें थर्ड, यहाँ पर इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, मिथाइल एंड इथाइल, इस कार्बन से देखें तो क्लोरीन और मिथाइल, तो जी आई ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बट अपन देखें अरेंजमेंट, तो यहाँ पर CIP रूल से 1 नंबर इसको देंगे, CIP रूल से 1 नंबर इसको देंगे, तो ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन है, ये हमारे पास ट्रांस कॉन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपल एल्केन टाइप का स्ट्रक्चर है, नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं होगी, दैट मीन्स यहाँ पर नन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, इस ऑप्शन में भी देखें तो इस डबल बॉन्ड के अलावा जी आई पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मिनिमम 8 मेंबर रिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नन हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग में भी हमारे पास दोनों एल्काइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये सिस फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन्थ, ये हमारे पास देखिए ये साइक्लोक्टीन ही है, बट दोनों एल्काइल ग्रुप, इस ग्रुप के और इस ग्रुप के, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजिशन पर है, तो ये ट्रांस साइक्लोक्टीन है, साइक्लोक्टीन, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। यहाँ पर अपन देखें तो 10 मेंबर रहेंगे, तो जी आई तो हो जाएगा इजीली। अब यहाँ पर देखें एल्काइल ग्रुप कौन से पे, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें तो जी आई तो पॉसिबल है, 10 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म, क्लियर है। यहाँ पर अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, बट एल्काइल ग्रुप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर 12th में चेक करें, तो इस कार्बन से आप इधर से जाए या इधर से जाए, दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट अपने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो सिस और ट्रांस आइसोमर भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो नन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, 13 में हमारे पास देखिए ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अलोंग तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ये हमारे पास बन रही है। अब हमारे पास इन sp3 कार्बन की वजह से जी आई देखने के लिए कम से कम एक और कार्बन यहाँ पर होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइज, जिसपे दो इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते, तब जी आई हो सकती थी, अदरवाइज यहाँ पर जी आई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अलोंग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, बट इन दोनों के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, क्योंकि दोनों क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसके यदि आइसोमर्स आप बनाना चाहें तो किस तरह से बनेंगे, जैसे इस साइक्लोएल्कीन को रहने दें ऐसे, यहाँ पर एक बार केस क्या बना दे, दोनों के दोनों वेज पे बना दे, और दूसरा केस आप बना दे एक वेज पे और एक डैश पे, यहाँ पर एक वेज पे और एक डैश पे, ये सिस फॉर्म हो जाएगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। इसमें आप बोले थे कौन सा कॉन्फिग्रेशन है, दोनों अपवर्ड है, यानी इसको अपन सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस देखते हैं, बाकी ऑप्शंस में अपन देखें तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अलोंग हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, इस पे दो सेम ग्रुप नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ पर भी अपन देखें तो इधर से जाने पे और इधर से जाने पे, ठीक है, आपको देखने में लग रहे होंगे सेम एनवायरनमेंट है, CH3 CH3, पर इन दोनों का कॉन्फिग्रेशन, ये कायरल कार्बन का जो कॉन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉन्फिग्रेशन भी क्या क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये भी H है। अब आपको RS कॉन्फिग्रेशन यहाँ पर डिसाइड करना है, तो RS कॉन्फिग्रेशन अपन डिसाइड करते हैं इनका, ये किस तरह से RS कॉन्फिग्रेशन यहाँ पर होगा।
तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है, इस कार्बन पे सीआईपी रूल से नंबरिंग वन ऊपर होगी, सेकंड इधर होगी, थर्ड इस कार्बन पे और फोर यहाँ पर। तो 1 2 3 अपन रोटेट करते हैं इस तरह से, तो क्लॉकवाइज यानी आर कॉन्फिग्रेशन। और यहाँ पर अपन कॉन्फिग्रेशन जब सेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास वन, यहाँ पे वन नंबर इधर होगा, टू यहाँ पर, थ्री फोर, तो 1 2 3 यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एस कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा। और सीआईपी रोल में हमारे पास आर जो होता है वो प्रायोरिटी पे होता है किससे, एस कॉन्फिग्रेशन से। तो यहाँ पर इस कार्बन पे आप सीआईपी रोल डिसाइड करते तो क्या बनता, CH3 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती, जैसे इस CH3 की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई वन, और यहाँ पर R की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई वन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने पास ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। बट यहाँ पर R और S डिफरेंट को है, इसलिए इस डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अलोंग इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। बट यदि आप रिंग के रेस्पेक्ट में देखें तो रिंग के रेस्पेक्ट में हमारे पास ये दोनों मिथाइल क्या थे, अपवर्ड थे, तो रिंग के रेस्पेक्ट में ये सिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, सिस विद रेस्पेक्ट टू रिंग, क्लियर। तो डबल बॉन्ड के अलोंग भी जीआई हो सकता है और यहाँ पर रिंग के रेस्पेक्ट में भी जीआई हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी जीआई होगा क्योंकि इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जीआई हो रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वन इसका नंबर होगा सीआईपी रूल से, वन नंबर इसका होगा, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो वन और वन, जीआई तो हो रहा ही है क्योंकि इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप है, तो जीआई तो हो गया, बट ये फॉर्म कौन सा, ये सिस फॉर्म है। यहाँ पर अपन देखें तो ऑक्सीजन से दो लोन पेयर जुड़े हुए, आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पर अपने क्या ऑप्शन होगा, नन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19th, यहाँ पर अपने पास सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम है, इस कार्बन पे दो इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप है, इस नाइट्रोजन पे दो इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप है। अब प्रायोरिटी दे अपन वन और वन, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो रहा ही, बट ये फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म है अपने पास सिस फॉर्म, ये इसको आप सेम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अपने पास 20 देखें तो 20 हमारे पास ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सीन का, तो इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पर जीआई तो होगा। बट यहाँ पर अपन सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों यदि अप अप है, अप अप है, या दोनों डाउन डाउन है, क्योंकि ये इक्लिप्स्ड और एक्सियल पोजीशन होती है, तो हमारे पास सिस है, बट एक अप है और एक डाउन है, तब ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर जीआई तो होगा, इस केस में भी अपने पास जीआई तो होगा, बट यहाँ पर अपने पास देखें तो ये डाउन है, ठीक है, और यहाँ पर ये अपवर्ड एक्सियल वाला अप है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 21, 21 में हमारे पास ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इनसे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन में आप यदि कन्फ्यूजन हो रहा है आपको कि अपवर्ड डाउनवर्ड से क्या मतलब है, तो हमारे पास ये चेयर फॉर्म है, इस चेयर फॉर्म में हमारे पास जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो इस तरह से जुड़े होते हैं, यहाँ पर अप 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 डाउन ये करके, ये क्या है, एक्सियल है, इनको आप एक्सियल पोजिशन लेंगे, और इक्विटोरियल पोजिशन ये वाली है इस तरह से, इक्विटोरियल यहाँ पर, ये इक्विटोरियल यहाँ पर, ये इक्विटोरियल इस तरह से, यहाँ पर ये इक्विटोरियल, ठीक है, एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल, तो आपको सिर्फ अप डाउन देखना है, तो ए स्टैंड्स फॉर एक्सियल बॉन्ड एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्विटोरियल बॉन्ड, इस तरह से इसमें चेयर फॉर्म में वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती है, और वही यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर CH3 देखिए ये इक्विटोरियल पोजिशन पर है, और यहाँ पर ये भी इक्विटोरियल पोजिशन पर ही है, बट एक डाउन है और एक अपवर्ड है, तब उसका कॉन्फिग्रेशन क्या होगा, ट्रांस होगा। इससे आप कन्फ्यूज ना हो कि दोनों के दोनों इक्विटोरियल है तो सिस फॉर्म में होगा, आपको यहाँ पर देखना क्या होता है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, यदि दोनों अपवर्ड है या दोनों डाउनवर्ड है तब सिस कॉन्फिग्रेशन होगा, अदरवाइज ट्रांस कॉन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.